आप पहली बार इस बार मैदान में उतर रही हैं अपने लिए। कितनी बड़ी तैयारी है आगे, क्या मान सकते हैं कि इस बार जीत की तैयारी है? क्योंकि शब्दावली में तो कोई पीछे नहीं हट रहा है। देखिए सबको गुड इवनिंग, मैं तो एक ही बात बोलना चाहती हूँ, हम लोग ममता दीदी का वॉरियर है, हम लोग जीत गए सोचिए, हम लोग जीत गए। ये कॉन्फिडेंस तो मोदी जी को भी है, वो कह रहे हैं वो जीत गए, आप कह रहे हैं आप जीत गए, कोई तो सच है और कोई झूठ। देखिए हम लोग तो मोदी जी जैसा फेकू भाषण नहीं देते, हम लोग भाषण देते हैं, हम लोग फेकू भाषण नहीं देते हैं, वो बहुत अच्छा सजा के झूठ बहुत अच्छा बोलता है और झूठ बोल के साफ साफ निकल दिया, लेकिन 2024 में नहीं होगा। अभी अगर हम बात करें इसी बंगाल की, इसी जमीन की, तो अभी जो रैलियां हुई, आज प्रधानमंत्री ने कह दिया ये साफ साफ कि अगर जीते तो कैबिनेट के साथ स्वेयरिंग इन सेरेमनी में आएंगे और किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया जाएगा दुर्गा पूजा तक। आपके जिले में सबसे ज्यादा किसान है, पीछे रह गए हैं किसान टीएमसी की सरकार की वजह से। देखिए सपना तो कोई भी देख सकता है और मोदी भी सपना देखना पसंद करता है, क्योंकि सपना देखने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है और टैक्स भी नहीं पेड करना पड़ता है। और देखिए भाजपा का सरकार जहाँ जहाँ पे है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, बाकी सब जगह में कृषक लोग आंदोलन करता है, लेकिन हमारा वेस्ट बंगाल में कितनी सच्चाई है इसमें, इस बात में सुमन जी आप ही बता दीजिए। किसान बहुत खुश है, आप बेकार हल्ला मचा रहे बंगाल में आकर। देखिए ये तो इन लोगों का कहना है और पहले भी कह चुका है, यही बात जीतने की, तो ये पहले यहाँ जीत के तो दिखा है, आराम पर छोड़िए जो मिलता है कि सीएम अपने क्षेत्र में आए और ये आपको बहुत जल्द दो तारीख तक आश्वासन दे दिया, लेकिन अभी जो वार और पलटवार हो रहा है दोनों पार्टियों में, आज कह दिया कि जिन रास्तों पर आ रहे हैं लोग उसमें अभिषेक बनर्जी ने ललकार कर कह दिया है कि खेला होवे। इन लोगों का कहना है खेला होवे, खेला दिखे, खेला जो होगा वो दो तारीख को होगा और सब देखेंगे। ये लोग यहाँ पे कितना उन्नयन किए हैं, क्या काम किए हैं, ये सबको पता है। अरे दिल्ली में आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं बंगाल में कुछ कर पा रहे हैं? छह साल से आपके भी तो यहाँ पर सांसद हैं, वो कहाँ है, नदारद रहते हैं। देखिए हमारे यहाँ से जो भी वहाँ से जो पैसा है ये लोगों के पास, सब देखिए जितने भी टीएमसी के नेता है सबका गाड़ियां बड़ी हो गई, घर बड़े हो गए, लेकिन अपने आप क्या आप पर आरोप लग रहे, गाड़ियां बड़ी हो गई, आपके घर बड़े हो गए, बाकी सब क्या? और बीजेपी तो देश को ही बेच दिया, बीजेपी तो देश बेच दिया, दंगा लगा दिया, संप्रदाय के बीच में दंगा लगा दिया, जो लोग देश बेच दिया जो पार्टी उसको तो कुछ शर्म करना चाहिए, आंखों में शर्म होना चाहिए भाजपा वालों को, आज पश्चिम बंगाल के लिए कुछ भी नहीं किया। आप भी तो भाजपा में थी, भाजपा छोड़कर आ गई है, उसके बाद आप भी भाजपा छोड़कर आई, तब आप कह रही थी मोदी जी बहुत अच्छे हैं, 2021 में वही मोदी जी अब कच्चे हैं। मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तरीका के देखोगे तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, लेकिन अगर भाजपा का नेता है तो जो देश बेच दिया कि ऐसे उसको अच्छा बोल सकता है। और सबसे बड़ी बात, मैं बीजेपी छोड़ के आई, हाँ मैं जोर कर ऐसे बोल रही हूँ, मैं बीजेपी को छोड़ के आई, क्योंकि जिस पार्टी संप्रदाय के बीच में विभाजन कराता है, देश को घात करने का सोचता है, उस पार्टी को मैं घीन से छोड़ दिया। अच्छा जब मुख्यमंत्री अपना गोत्र बताएं और कलमा पढ़े तो ठीक है? मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि है और आपको जानना चाहिए किसी भी चीफ मिनिस्टर, किसी भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी काउंसिलर, एमएलए, एमपी किसी संप्रदाय का नहीं हो सकता है। संप्रदाय की बात कर रहे हैं, आईएसएस पर आवाज उठती रही है, फैजल हमारे साथ है, आप ही बता दीजिए सांप्रदायिकता जब वाम मोर्चा के साथ आप जुड़ते हैं तो नहीं होती है और ऐसे आप सवाल उठाते रहते हैं? देखिए जैसे कि मैं खानापुर विधानसभा से आता हूँ, अभी मैं डोर टू डोर प्रचार करके आया हूँ, इस तरह से इन लोगों का अत्याचार है और इस तरह से महिलाओं पर अत्याचार है
और बीजेपी टीएमसी रात दिन कौन सा पुल कहाँ पे खड़ा है ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं सांप्रदायिकता, कौन सा प्राथमिकता बात कर रहे हैं ये लोग। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट दलित मुस्लिम जो पीछे पड़ा हुआ लोग है, जो गरीब तबका है, उसके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। हम लोग तो कभी भी नहीं कहा कि एक धर्म को लेकर काम करना चाहते हैं। अब्बास भाई जा सिद्दीकी ने कभी कहा है? अब्बास भाई की स्पीचेस आपने सुनी है कि वो क्या बोलते हैं? आपने सुना है? हाँ सुना है। वो क्या कहते हैं आप ही बता दीजिए कि बंगाल कैसा चाहिए, कैसे कोरोना से कौन सा धर्म मर जाए, ये सब सुना है आपने? हाँ मैंने सुना है, कल भी उन्होंने आए थे खानापुल के सरजमीन पे। उन्होंने कहा है कि जो पीछे लोग रह गए हैं, जो अत्याचार जिनके साथ हुआ है, उनको आगे लाने की बात कर रहे हैं हम लोग। कभी भी हमने नहीं कहा जाति धर्म की बात, कभी नहीं हम लोगों ने कहा है। लेकिन अगर हम बात करें जाति धर्म की, तो क्या ये मान के चलें कि टीएमसी जाति धर्म के आधार पर ही चलती है? ये तो भाजपा वाले का कहावत है जो कुछ झूठ बोलते हैं। हमारी दीदी सबको लेके चलना पसंद करता है। दीदी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन श्रीलंका श्रीलंका इस्लामी ओबीसी सबको लेके चलना पसंद। आपकी बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन दीदी को जय श्री राम की ध्वनि से दिक्कत क्या है? दीदी को जय श्री राम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा वाले रामचंद्र को जैसे गंदा तरीका से यूज करता है उसको हम लोग नफरत करते हैं। वो भाजपा वाले की घिनौने चाल को नफरत करते हैं। हम लोग जय श्री राम को रामचंद्र को नफरत नहीं करते। हम लोग जय माँ दुर्गा बोलते हैं, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती सबको बोलते हैं, जय माँ विष्णु, जय ब्रह्मा, जय महेश्वर सबको बोलते हैं। लेकिन भाजपा का तरीका गलत है, गंदा है। अच्छा तो बंगाल में अगर दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट जाना पड़े वो तरीका ठीक है? गोधरा कांड कराता है, जिस पार्टी दिल्ली में दंगा कराता है, जिस पार्टी इजराइल दूतावास के सामने दंगा कराता है, उस पार्टी को तो आंखों में शर्म होना चाहिए। अच्छा धूलागढ़ कहाँ है? धूलागढ़ कौन से राज्य में है? आप ही बता दीजिए हमको कि ये जो आप रायट लगवाते हैं और राम के नाम पर नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास? बीजेपी के पास बहुत सारा मुद्दा है। जय श्री राम का नारा हम लोग लगाते हैं, ये हमारा नीति आदर्श है, हम हिंदू लगा सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी का नारा है, ये कौन कहता है? ये टीएमसी वाले कहते हैं, ये हम लोग नहीं कहते। दीदी ने अभी जो बात कही कि वो क्रांति की नमाजी है, कई सारे क्रांति की नमाजी है, अभी उससे कुछ देर पहले आपने उससे सवाल पूछा था, वो हमने गर्व से कह दिया कि हम बीजेपी में गई थी। ऐसा क्या हो गया जो मोह भंग हो गया आपका? दिल्ली का दंगा हुआ था, दिल्ली का दंगा हुआ था कि नहीं हुआ? पुलवामा अटैक तो कराया वाला था भाई। आपकी पार्टी मुख्यमंत्री नहीं कह रही, आप अलग ध्वनि, आप अलग सुर पर चल रही हैं इस पर। सुनिए मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, जिस कश्मीर से चलने के लिए सीआरपीएफ का परमिशन लेना पड़ता है, उस कश्मीर में पुलवामा में 400 के सीआरपीएफ कैसे घुस गया? आप ही बता दीजिए कि अब क्या कहें, जम्मू कश्मीर चला गया बंगाल का मुद्दा। बंगाल में आप अपने इलाके में घूम रहे हैं, जिस तरह के हालात देखे हैं उसके बाद क्या ये कहें कि जनता पिछड़ रही है इस राजनीति में? देखिए बीजेपी का हिंदू कार्ड और टीएमसी का मुस्लिम कार्ड, आम जनता का कार्ड हम लोग खेल रहे हैं। आम जनता पर काम होना चाहिए, आम जनता पर ये लोग बात कभी नहीं करते हैं। ये धर्म की राजनीति करते हैं, दोनों करते हैं। आप जो पीछे रह गए हैं लोग, जैसे कृषि जैसे लोग, जिस तरह से पानी का प्रॉब्लम है, जिस तरह से महिलाओं का जो अत्याचार जिस तरह से हो रहा है, उन लोग पे कौन काम करेगा, उसकी क्यों बात नहीं करते आप? नहीं तो कांग्रेस के राज्यों में हम ये मानकर चले किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन जो टूल किट का इस्तेमाल होता है खाली उसके लिए विदेश जाना पड़ता है। नहीं देखिए कांग्रेस की जो स्थिति है, जो जिस तरह से उन्होंने राज किया, 70 साल काम किया है, सुई से लेकर के जहाज तक बनाया है, इसको कोई नकार सकता है क्या? ये तो मानना पड़ेगा आपको, नकार नहीं सकते हैं आप। आप देखिए जो बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, सिर्फ धर्म पे राजनीति हो, धर्म क्यों आएगा, काम क्यों नहीं बता रहे, सिर्फ खेला होने पर नहीं चलेगा। ये तो आप मुझे बता दीजिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बंगाल क्यों नहीं आते हैं?
बंगाल क्या कांग्रेस के मैप से बाहर है? नहीं, हम लोग कांग्रेस से संयुक्त मोर्चा हम लोग संगठन यहाँ पे बनाए हैं, संयुक्त मोर्चा में लड़ रहे हैं। और संयुक्त मोर्चा क्यों तैयार किए हैं? इसलिए तैयार किए हैं कि आम जनता के लिए तैयार किए हैं, आम जनता के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं, इसलिए संयुक्त मोर्चा तैयार किए हैं हम लोग। ABP News आपको रखे आगे।